टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरी टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जहां पर टीम इंडिया में भी बड़े बदलाव हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी तीन बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आज पहले दिन के खेल में टीम इंडिया कमाल का परफॉर्मेंस करके इस मुकाबले का पहला दिन अपने नाम करें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो आज ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन बड़े बदलावों के साथ टीम इंडिया के सामने मैदान पर उतरेगी और इस मुकाबले में वापसी करना चाहेगी, क्योंकि अगर ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम गंवा देती तो फिर सीरीज नहीं जीत पाएगी। ऐसे में दोस्तों, आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें तो डेविड वॉर्नर के साथ उस्मान ख्वाजा उतरने वाले हैं। डेविड वॉर्नर से इस मुकाबले में बड़ी पारी की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया की टीम को होगी, तो वहीं पर दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा से भी बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाजों में से कोई एक चलता है तो फिर बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया की टीम बना सकती है। इसके बाद नंबर तीन पर मार्नस लाबुसाने हमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर चार पर स्टीव स्मिथ उतरेंगे। लाबुसेन और स्टीव स्मिथ से भी इस टीम को काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर पाँच पर ट्रेविस हेड उतरेंगे, तो नंबर छः पर कैमरून ग्रीन हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर सात पर विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी दिखेंगे, तो नंबर आठ पर कप्तान पेट कमिंस उतरने वाले हैं। नंबर नौ पर मिचेल स्टार्क उतरेंगे, तो नंबर दस पर टॉड मर्फी उतरेंगे, जबकि नंबर ग्यारह पर नेथन लियोन खेलने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा जाए तो फिलहाल काफ़ी शानदार नज़र आ रही है और साथ ही इस टीम के पास मिचेल स्टार्क की वापसी के बाद अब एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप भी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरी तरफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में कि आखिरकार टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है। तो दोस्तों, रोहित शर्मा और केएल राहुल भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज के इस मैदान पर केएल राहुल की अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि केएल राहुल आज के मुकाबले में ना चले तो फिर उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन रोहित शर्मा कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो उनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर तीन पर अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो अपने 100वें टेस्ट मुकाबले में एक बड़ा शतक जरूर ठोक सकते हैं। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद नंबर चार की हम बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली उतरेंगे, जो कि अपने होम ग्राउंड में अपनी बेहतरीन लय को एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर पाँच पर टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर की वापसी होने जा रही है सूर्य कुमार यादव की जगह पर, यानी कि नंबर पाँच पर श्रेयस अय्यर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर छः की हम बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा उतरेंगे, जो कि फिलहाल काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहीं पर नंबर सात पर के एस भरत टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज उतरेंगे, तो नंबर आठ पर अक्षर पटेल, नंबर नौ पर रविचंद्रन अश्विन, तो नंबर दस पर मोहम्मद शमी उतरेंगे, जबकि नंबर ग्यारह पर मोहम्मद सिराज हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 काफी शानदार नजर आ रही है, जिसमें कई बड़े बड़े प्लेयर नजर आ रहे हैं जो कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा निगाहें अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा और होम ग्राउंड पर खेल रहे विराट कोहली के ऊपर रहने वाली है। वहीं पर दोस्तों, आपके हिसाब से आज के मुकाबले में टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन सा खिलाड़ी करेगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।